हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जून 2021 की लव टैरो रीडिंग। सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं जून 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए कैप्रिकॉर्न्स, आप लोगों के लिए देखें कि जून 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे तीन सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जून मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं कैप्रिकॉर्न्स, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड पॉलिटिक्स। और ये दोनों ही कार्ड्स अनफेयर एनर्जीज की बात करते हैं, किसी लेवल पे किसी तरीके के इनजस्टिस की बात करते हैं, एक मैनिपुलेशन और डिप्लोमेटिक एनर्जीज की बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी दिख रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ कैप्रिकॉर्न्स के लिए हो सकता है कि ये एनर्जीज आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की हैं, जहाँ पे वो किसी लेवल पे अनफेयर हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए कहीं उनकी तरफ से एक इनजस्टिस है, या फिर कहीं वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं। और कुछ कैप्रिकॉर्न्स की खुद की एनर्जीज ऐसे हो सकती हैं जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न्स की आप पूरी तरीके से जस्टिस इस रिलेशनशिप के लिए नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, जो भी हो रहा है सरफेस लेवल पे, यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड कहता है कि आपके मन में बहुत एक फीलिंग्स, प्यार, मोहब्बत अपने पार्टनर के लिए है, और कहीं इन सब चीज़ों से बियॉन्ड आप इस रिलेशनशिप को लेकर जाना चाहते हैं। और देखिए, ये जो मैनिपुलेटिव एनर्जीज हैं और जो भी एक अनफेयर एनर्जीज हैं उसकी वजह से, या फिर अदरवाइज भी, मिड ऑफ जून में आप कहीं बहुत ही कंफ्यूज्ड या फिर बहुत एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज आपकी रह सकती हैं, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, या फिर जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कभी आपके माइंड में एक चीज़ आती है तो उसी पल दूसरी चीज़ आती है, और फिर से मैं कहूँगी कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप क्लैरिटी से नहीं देख पा रहे हैं कि आप कैसे चीज़ों को डील करें, कैसे आप आगे बढ़ें। और शायद इसीलिए देखिए, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस रिवर्स का कार्ड कहता है एक अनश्योरिटी सी है, एक मिस्टीरियस सी एनर्जीज हैं। और देखिए, हाई प्रीस्टेस का कार्ड एक और चीज़ बोलता है कि कोई चीज़ छुपी हुई थी इस रिलेशनशिप में। कुछ कैप्रिकॉर्न्स के लिए आपकी तरफ से हो सकती है, कुछ कैप्रिकॉर्न्स के लिए आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है, वो भी कहीं बाहर आ सकती हैं, या फिर उन चीज़ों को आप बाहर लाना चाह सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, टोटालिटी का कार्ड कह रहा है कि टोटली आप शायद इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, या फिर इन एनर्जी से निकलना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, बहुत विजडम से, बहुत समझदारी से चीज़ों को डील करना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं बहुत कॉशियस, बहुत ज़्यादा एक मैं कहूँगी कि कॉन्शियस भी आप अपने लिए होते हुए दिख रहे हैं, या जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए होते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर के लिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स। और नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं स्पीड की बात करता है, सडन चेंजेस की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर के लिए भी दिख रहा है, जहाँ पे अगर किसी भी चीज़ को लेके वो कंफ्यूज थे पीछे, या जून स्टार्टिंग में या जून मंथ में कंफ्यूज हैं,
तो उससे रिलेटेड एक क्लैरिटी लाते हुए दिख रहे हैं और बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कुछ कैप्रिकॉर्न्स के पार्टनर के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में ही एक स्पीड चाह रहे हैं, और कुछ कैप्रिकॉर्न्स के पार्टनर के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं या कर चुके हैं और अकेले ही बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ रहे हैं। और देखिए, बहुत लॉजिकल, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि माइंड से चलते हुए वो दिख रहे हैं। और देखिए, डीपर लेवल के लिए गिल्ट का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को लेके एक गिल्ट भी उनको जून स्टार्टिंग में रहता हुआ दिख रहा है, या फिर मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ों को लेके परेशान भी वो होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी कि सोचते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कहीं देखिए मिड ऑफ जून में इन गिल्ट वाली एनर्जी से वो बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर इनोसेंस का कार्ड है और अपनी चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, या मैं कहूँगी कि बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। और शायद इसीलिए देखिए एक प्रैक्टिकल, एक रियलिस्टिक अप्रोच रखते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, उनकी तरफ से पॉजिटिव कुछ एक इनिशिएटिव भी रह सकता है, लेकिन बहुत ही छोटा छोटा सा इनिशिएटिव दिख रहा है। और कुछ कैप्रिकॉर्न्स के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर अपनी स्टडीज़, अपनी पढ़ाई या फिर अपने करियर पे फोकस करना चाह रहे हैं, और ऐसा करके उनको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं या जो भी इश्यूज, जो भी मसले हैं उनसे वो बाहर निकल पा रहे हैं या निकल रहे हैं। और देखिए, कहीं एंड ऑफ जून के लिए 10 ऑफ वॉन्स रिवर्स एंड मोमेंट टू मोमेंट के भी कार्ड्स हैं, और ये कार्ड्स कहते हैं कि करियर पे या अपनी पढ़ाई पे फोकस करके या फिर एक प्रैक्टिकल, एक रियलिस्टिक अप्रोच रख के वो वाकई में एक स्ट्रेस, एक प्रेशर वाली एनर्जी से बाहर निकल पा रहे हैं, कहीं वो अपने प्रेशर को कम कर पा रहे हैं। और देखिए, डीपर लेवल के लिए मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड कहता है कि बहुत ही कॉन्शियस होके, बहुत ही कॉशियस होके वो आगे बढ़ रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा किसी लेवल पे लग रहा है कि भाई उनकी तरफ से कोई मिस्टेक ना हो, उनकी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से कुछ इश्यूज हो या जिसकी वजह से कुछ मसले हों। और देखिए, जब मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आता है तो हम कहते हैं कदम फूंक फूंक के आगे बढ़ रहे हैं, अगेन बहुत सोच समझ के और बहुत अलर्ट होके आगे बढ़ रहे हैं। और अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स की जून मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, जून मंथ के लिए या फिर मैं कहूँगी जून स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले कार्ड्स हमारे पास हैं 5 of Pentacles एंड द आउटसाइडर, और ये दोनों ही कार्ड्स एक ही हैं, डिफरेंट डेक से, और दोनों ही कार्ड्स किसी लेवल पे रिजेक्शन, अकेलेपन की बात करते हैं, ब्लॉक्ड एनर्जीज की बात करते हैं। और अगर आप द आउटसाइडर के कार्ड को देख पा रहे हैं तो एक बच्चा गेट के बाहर खड़ा हुआ है और गेट में ताला लगा हुआ है। और देखिए, आउटसाइडर का मतलब भी होता है कहीं बाहर होना, और ऐसा ही कुछ आप लोगों के लिए या इस रिलेशनशिप के लिए दिख रहा है, जहाँ पे आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को एक रिजेक्शन महसूस हो सकता है। आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई दूसरा इंसान इतनी अटेंशन नहीं दे रहा है, किसी लेवल पे अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, और इसकी वजह से एक अकेलापन भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, अगर हम लिटरली देखें तो हो सकता है कि सोशल मीडिया पे आप दोनों ने या आप दोनों में से किसी एक ने ब्लॉक किया है एक दूसरे को। और देखिए, इसीलिए शायद यहाँ पे जजमेंट एंड करेज के कार्ड्स कहते हैं कि एक स्टक एनर्जीज में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक रह सकता है, जहाँ पे कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग करने की ज़रूरत है और शायद आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, जजमेंट के नीचे करेज का कार्ड कहता है कि ऐसा करने के लिए बहुत ज़बरदस्त एक विल पावर, डिटर्मिनेशन और करेज की ज़रूरत है। और मैं आपको यही कहूँगी कैप्रिकॉर्न्स की, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ज़रूर आप वो विल पावर, वो डिटर्मिनेशन रखें और चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग अपनी लाइफ में लेकर आएं। क्योंकि देखिए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे जाके एक परेशानी आप अपने लिए ला सकते हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि ये जो एनर्जीज होती हैं ये दलदल की तरह होती हैं। अगर हम एफर्ट करके या कोशिश करके इनमें से बाहर नहीं निकलते हैं तो फिर कहीं हम बहुत डीप चले जाते हैं,
और एक टाइम आता है कि इनमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अगेन मैं कहूँगी कि आप बहुत ही करेजियसली चीज़ों को डील करें और कहीं यू नो इन स्टक एनर्जीज़ में से अपने आप को बाहर निकालें। और कुछ कैप्रिकॉर्न्स या उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि किसी लेवल पे कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस करनी है। और देखिए लिटरली ये ही भी एक डिसीजन हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है या पुरानी चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग करनी है, जिसके लिए भी कहीं एक डिले आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की तरफ से मुझे दिख रहा है, कहीं इस डिसीजन को कहीं इस चॉइस को अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए मैं आपको यही कहूँगी कि जजमेंट का कार्ड जब भी आता है और हम कहते हैं कि अगर आपको डिसीजन लेना है तो आप बिल्कुल भी उसको डिले ना करें, क्योंकि ऐसा करने से भी इश्यूज और मसले आगे जाके रह सकते हैं। तो फिर से कहूँगी कि अगर कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है इस लव लाइफ या इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो आप ज़रूर ज़रूर लें। और देखिए कहीं बाय द एंड ऑफ जून के लिए गोइंग विद द फ्लो का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को आप लेट गो करते हुए दिख रहे हैं या फिर कुछ चीज़ों के लिए एक एक्सेप्टेंस लाते हुए दिख रहे हैं। लिटरली हो सकता है कि कुछ कैप्रिकॉर्न्स या उनके पार्टनर अपने आप को कह सकते हैं कि भाई जो चीज़ नहीं बदल सकते हैं उनके लिए बियॉन्ड अ पॉइंट एफर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही उनको लेते जाएं तो बेहतर है, या फिर आप वैसे ही उनको लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं। कहीं अगेन मैं कहूँगी यूनिवर्स पे कंप्लीट फेथ रख के, या फिर जिस भी गॉड को आप मानते हैं या अपने ऊपर विश्वास रख के, कहीं आप सरेंडर मोड में आते हुए दिख रहे हैं, कहीं गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में आते हुए दिख रहे हैं और ऐसे ही आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए कहीं पेज ऑफ वॉन्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि उतना एक एंथुजियाज्म, उतना एक एक्साइटमेंट आपके लिए नहीं दिख रहा है, या फिर ये एक्साइटमेंट किसी लेवल पे मिसिंग दिख रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगी कैप्रिकॉर्न्स कि अगर आप गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में आप आ रहे हैं किसी भी लेवल पे, किसी भी लेवल पे अगर आप एक एक्सेप्टेंस ला पा रहे हैं या फिर चीज़ों को डिवाइन पे या यूनिवर्स पे सरेंडर कर पा रहे हैं, तो वो खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और धीरे धीरे जो एक एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म मिसिंग है वो भी रिवाइव हो जाएगा आगे जाके अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं। तो ये था कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए जून 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।